गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम टू टाइम एंड टेस्ट। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपना टाइम इन्जॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं स्पेशल रेसिपी जो बनाने जा रहा हूँ, मैं लगा हूँ बनाने गजक। तो गुड़ की गजक हम बनाएंगे और तेल इसमें यूज़ करेंगे। तो एक कटोरी शक्कर मैंने ली है और आधा कटोरी मैंने लिए हैं तिल। सफ़ेद या काले आप कोई से भी यूज़ कर सकते हैं। और गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा हम इसमें यूज़ करेंगे कोकोनट और सौंफ, मीठी सौंफ इसमें यूज़ करेंगे। तो आइए इसको बनाना शुरू करते हैं, बहुत आसानी से ये बन जाएगी। सबसे पहले हम तिल को ड्राई रोस्ट करेंगे कढ़ाई में। कढ़ाई को मैंने कर लिया है गरम और इसमें डालेंगे तिल। इसे हल्का सा ही हम रोस्ट करेंगे, ज़्यादा इसको भूनेंगे नहीं। तो हल्का सा इसको गरम कर लें। तो कढ़ाई को मैंने पहले से ही गरम करके रख लिया था। इसमें जरा हम इसको गरम करेंगे तो भीनी भीनी से इसमें से खुशबू आने लगेगी और उतनी ही देर तक इसे हम गरम करेंगे। मीन्स 15 सेकेंड मुझे लगे हैं इसमें और इतना ही इसे हम रोस्ट करेंगे। अब इसमें से कढ़ाई में से इसको निकाल के दूसरी साइड प्लेट में रखेंगे। अब इसी कढ़ाई में मैंने डाला है थोड़ा सा बटर या घी, देसी घी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, आधा चम्मच ही है। इसे मेल्ट करें और इसी में हम डाल देंगे शक्कर और उसे हमें पिघलाना है। इसे लगातार चलाते भी रहें ताकि ये नीचे ना लगे। गैस की फ्लेम मैंने लो टू मीडियम रखी है क्योंकि अगर ये जल जाती है तो इसका टेस्ट जो है वो चेंज हो जाएगा। तो लगातार चलाते हुए इसे पिघला लेंगे हम। बहुत जल्दी एक बार कढ़ाई गर्म हो जाने के बाद पिघल जाती है, तो लगातार इसे चलाते रहें। तो ये देखिए, ये भी करीब 10 सेकेंड लगेंगे इसको और ये अच्छे से पिघल चुकी है। जैसे ही पूरी तरह से पिघल जाए गैस की फ्लेम बंद कर दें और इसमें हम डालेंगे तिल जो हमने भून कर रखे हैं। तो देखिए बिल्कुल फूली फूली से ये हो चुकी है। अब इससे ज़्यादा इसे हम गर्म नहीं करेंगे, इसके बीच में हम डाल देंगे तिल। गैस की फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है और तिल इसमें डाल के अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। तो जल्दी से ये सारा हम मिक्स कर लेंगे। इसके साथ ही मैंने एक प्लेट में थोड़ा सा घी लगा कर रख लिया है जिसमें हम इसको फैला कर रखेंगे और इसको सेट होने के लिए रख देंगे। तो ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। गजक के लिए जो मिक्सर है वो रेडी हो चुका है। यहाँ मैंने प्लेट पे थोड़ा सा घी लगा कर इसको ग्रीस कर लिया है। अब इसमें ये गजक का मिक्सर हम डालेंगे। प्लेट में सारा मिक्सर डालने के बाद इसे अच्छी तरह से आप ऐसे सेट कर लें। इस तरह से ये सेट हो जाएगा, चारों तरफ इसे बराबर अच्छी तरह से हम फैला लेंगे। तो गजक को हमने इस तरह से फैला दिया है। ऊपर से टेस्ट के लिए इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी सौंफ हल्का सा और साथ ही कोकोनट जो हमने कट करके रखा था, तो इसे भी लगाने के बाद इसके ऊपर हम सेट कर देंगे। अब इसे ड्राई होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, करीब ठंड के मौसम में तो करीब आधे घंटे में ये जम जाएगी। आप चाहें तो इसको जल्दी बनाने के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं। और इसी स्टेज पे से आप चाकू से इसके जो पीसीस हैं वो भी कट कर लें क्योंकि जमने के बाद ये हार्ड हो जाएगी, फिर इसके पीसेस जो हैं वो कट नहीं होंगे। तो अभी हम इसी स्टेज के ऊपर इसके पीसेस भी कट कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसके पीसेस भी मैंने कट कर लिए हैं और घर पे ही आप ये हेल्दी टेस्टी गजक तिल की बना सकते हैं। तो ट्राई कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कैसी लगी आपको ये रेसिपी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।